नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल अखंड ज्योति क्लासेस को फिर स्वागत है। आज हम जो है कक्षा 10 का जो है आंकिक क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट हल करेंगे। इसमें जो है आंकिक क्वेश्चन को जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में हल करेंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन में हल करेंगे और आपका जो है आज ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है कितने प्रकार के आंकिक प्रश्न बन सकते हैं उसको हम हल कर लेंगे। त्रिविधों के समय में कितने प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने स्टडी कर लिया था। तो आज जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो पार्ट फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन एक एक देखेंगे और उसमें जो भी हमारे ऑप्शन होंगे उसको टिक भी करेंगे और उसको अच्छी तरह से हल करेंगे। लेकिन आप जो है उसको कॉपी में पूरा एक्सप्लेन करके नोट करिएगा, हल करिएगा, ताकि आपका न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाए। तो चलिए, आप यहां पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आज हम जो है पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन 24-25 क्वेश्चन हल करेंगे, अगले भाग में आगे हल करेंगे। आप यहां पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, हम यहां किताब में पढ़ रहे हैं और आप जो है वहां पे उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, इसमें देखिए लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है माइनस में होता है और कितना होता है, -1.6×10^-19 कूलम होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, एक चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपको पता है कि चालक तार में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पे होता है। मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से बताया है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तार आसानी से प्रवाह होगा। ठीक है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पे या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सहायता से जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, आवेश का मात्रक होता है। आपको पता है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि टी से में किसी परिपथ में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि Q बराबर होता है I×T होता है। और जब I निकालेंगे, आपको फार्मूला आपको दिखला दें हम, होता है Q बराबर I×T होता है, यही तो होता है। और यहाँ जब I का मान आप निकालेंगे तो Q अपान क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, Q अपान T हो जाएगा। तो ये जो है जिस ऑप्शन में दिख रहा है आई बराबर क्यू अपान टी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला जो है हमारा आगे पढ़िए, उसमें आप देख रहे होंगे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है, तो आपको पता होगा कि ओम का जो नियम होता है वो जो है वोल्टेज या फिर विभवांतर, वैद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध होता है। और जो होता है वी बराबर I×R होता है, वी बराबर I×क्या होता है, R होता है। जिस भी ऑप्शन में वी बराबर I×R दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पढ़िए। ओम का नियम सत्य है, लिखा हुआ है कि ओम का नियम सत्य है। आपको पता होगा कि ओम का नियम हमने आपको बताया था कि केवल जो है धात्विक चालकों पर ही लगता है और किसी चालक में इसका नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ओम का नियम जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, केवल धात्विक चालक के लिए, केवल मेटल के लिए लागू होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा है आठवां सवाल, एक माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। तो आपको पता है कि एक माइक्रो जो होता है 10^-6 होता है, -6 होता है, कितना होता है, -6 होता है। तो इसमें जो भी आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन 10^-6 में वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल दिया है 9 नंबर, एम्पियर सेकेंड जो है मात्रक होता है। तो आपको पता है कि क्यू बराबर होता है, देखिए यहाँ पे क्यू बराबर होता है I×T, आई का मात्रक एम्पियर होता है और टी का मात्रक सेकेंड होता है। तो एम्पियर सेकेंड जो मात्रक हुआ किसका हुआ, आवेश का हुआ, क्यू का हुआ। तो इसमें जो भी ऑप्शन आवेश है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो आपको पता है कि आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे समान होता है, कितना होता है, समान होता है। और कितना होता है, 1.6×10^-19 कूलम होता है। बस अंतर ये होता है कि प्रोटॉन पे जो आवेश होता है प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है माइनस में होता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 1.6×10^-19 कूलम ये जो सही हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसमें न्यूमेरिकल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, आपको दिखाई दे रहा होगा। लिखा है,
एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई है, तार में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम लगाएंगे अच्छी तरह से, आपको भी इसको कॉपी में एक्सप्लेन करके लगा लेना है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है इसको हम पहले नोट कर ले रहे हैं। इसमें दिया है आई का मान दिया है, आई बराबर कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है, कितना दिया है 2 एम्पियर दिया है। ठीक है, और वोल्ट का मान वी का मान दिया, विभवांतर का मान 10 दिया है, ये किसमें है वोल्ट में है। ठीक है, आगे देखिए और क्या दिया है, टी का मान दिया है, टी बराबर कितना दिया है, टी बराबर 10 मिनट दिया है, कितना दिया है 10 मिनट दिया है, और हमको कैलकुलेट करना है व्यय हुई विद्युत ऊर्जा। व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा, आपको पता है कि वैद्युत ऊर्जा का जो हमने सूत्र पढ़ा है पूरा एक एक करके, जो है जितना भी फार्मूला हमने पढ़ा है उसमें पहला ही फार्मूला था वी आई टी था, क्या था वी आई टी, वी किस में था वोल्ट में, आई किस में था एम्पियर में, और टी जो था सेकेंड में था, किस में था सेकेंड में, ये याद रखना है। ठीक है, इस मान पुट करिए, वी का मान 10 वोल्ट है, टी आई का मान कितना है 2 एम्पियर है, और टी का जो समय का मान है 10 मिनट है, इसको हम सेकंड बदल लेंगे, 60 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको जब हल करिएगा तो आपका पूरा 12,000 जूल हो जाएगा, ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा जूल होगा। ठीक है, मान आ रहा है 12,000, क्या आ रहा है जूल आ रहा है, कितना आ रहा है जूल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो विद्युत ऊर्जा व्यय होगी कितनी होगी 12,000 जूल होगा, कितना होगा 12,000 जूल होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 12 नंबर का पूरा क्या था आपका एक्सप्लेनेशन था, आंसर था, किस तरह से हल होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 रीड करिए। लिखा हुआ है धारा के परिमाण का मात्रक होता है, आपको पता है कि धारा को जो एम्पियर मापते हैं, जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर होता है, तो इसमें एम्पियर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रतिरोध का मात्रक, आपको पता है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, क्या होता है ओम होता है, तो इसमें ओम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए ओम प्रतिरोध वाले यंत्र चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, क्या बताइए तुल्य प्रतिरोध बताइए। हमने आपको पूरा उसका ब्यौरा दिया था कि यदि आर प्रतिरोध के यंत्र चालक हो तो जो कुल प्रतिरोध अगर समांतर में जोड़ते हैं तो जो टोटल प्रतिरोध होगा आपका क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आर बटे यन होगा, कितना होगा आर बटे यन होगा, ओम होगा, तो इसमें जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है आर बटे यन वाला वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट एक एक कंसेप्ट अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है 16, देखिए क्या लिखा हुआ है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपको हमने डायरेक्ट बताया था कि किस तरह से जो है जुड़ के डायरेक्ट आंसर आता है। देखिए यहाँ पे जब 1/R1 और 1/R2 को हम हल करते हैं तो R बराबर हमारा आता है R1 R2 प्लस R2 आता है, इसको हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ा है, तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। हम आशा करते हैं आपको कि चीज समझ में आ रहा होगा, आसानी समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है 4 ओम प्रतिरोध वाले 3 चालकों को समांतर में जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है समांतर में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपको पता है कि जब जो है एक ही प्रतिरोध 4 ओम के प्रतिरोध है, कितने तारों में जोड़ा गया है 3 तारों में, कितने तारों में 3 तारों में, तो कुल जो प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध जो आपका होगा सब 4 ओम के हैं, कितने कितने ओम के हैं 4 ओम के हैं, तो 4/3 ओम, कितना ओम 4/3 ओम, क्योंकि हमको पता है कि R बटे n ओम होता है, R बटे n ओम क्या होता है, होता है R प्रतिरोध जो है n संख्या में जोड़ा गया है वो भी समांतर में, तो कुल जो प्रतिरोध आता है R बटे n आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4/3 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 ओम हो जाएगा इसका जो ऑप्शन, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल आप पढ़िए, यहाँ पे लिखा 18 नंबर, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं समांतर में जुड़े हैं, बहुत ही आसान सवाल है। जब समांतर में जुड़ते हैं तो हमारा जो तुल प्रतिरोध होता है आर ओम के यन प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो कुल जो प्रतिरोध होता है आर बटे यन होता है, कितना होता है आर बटे यन होता है, आर भी जो है 4 ओम का प्रतिरोध है और संख्या कितनी 4 है, तो कुल जो प्रतिरोध आएगा 1 ओम आएगा, और 1 ओम का जो ऑप्शन है आप उसको टिक कर लीजिए सही हो जाएगा, और आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर जो है
उन्नीस, उन्नीस में एक परिपथ बना हुआ है, आप परिपथ सही से देखिए। और हमने जो है प्रतिरोधों के संयोजन जितने सवाल बने थे सब उसको हमने हल कर लिया था। फिलहाल आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है सर्किट बना हुआ है इसको भी हम बना ले रहे हैं। आप इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, दो दो ओम के जो है, दो दो ओम के दो प्रतिरोध जो है समांतर में जुड़े हैं, ठीक है, किस में जुड़े हैं, समांतर में। आ जो बैटरी लगी हुई है वो कितने वोल्ट की है, दो वोल्ट की, आप देख पा रहे होंगे फिगर में। और जो धारा प्रवाहित हो रही है आई एम्पियर है, कितना एम्पियर है, आई एम्पियर है। तो आई का मान बताना है, किसका मान बताना है, धारा का मान बताना है, बहुत ही आसान है। देखिए आप यहाँ पे सवाल हमने नोट कर दिया है, धारा का मान के लिए अब क्या चाहिए, ओम का नियम पता है, वी बराबर आई इंटू आर, उसमें वी का मान पता है, और कुल प्रतिरोध का मान आपको निकालना पड़ेगा। और कुल प्रतिरोध किसमें दुखिया, दो और दो ओम किसमें जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध आप पहले निकाल लीजिएगा, कुल प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा दो बटे दो, कितना होगा बाबू, दो बटे दो। अब बराबर आएगा एक ओम आएगा, कितना आएगा, एक ओम आएगा। अच्छा दो बटे दो क्यों आया है, क्योंकि समान प्रतिरोध था, दो ओम का दो प्रतिरोध है समांतर में जुड़े हैं। अगर इसको आप बड़े रूप में लगाएंगे तो एक बटे आर बराबर लगाएंगे एक बटे दो और प्लस एक बटे दो, और जब इसको हल करेंगे एलसीएम समान होगा, एक प्लस एक होगा, दो बटे दो होगा, कट के एक आएगा, और जब उल्टा करेंगे तब फाइनल आंसर एक ओम आएगा। इस तरह से भी लगाएंगे, और हमको डायरेक्ट फार्मूला हमने आपको बताया था कि आर बटे एन वाला अगर समान प्रतिरोध है, एन भागों में जुड़ा है समांतर में, तो कुल प्रतिरोध आर बटे एन होगा। अगले सवाल पे चलिए, अगला सवाल पढ़ते हैं, अच्छी तरह से इसको हल करते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, आप देख पा रहे होंगे फिगर में सिलिकॉन पदार्थ बना होता है। तो हमने आपको बताया है, आप याद करिए, याद करिए आप, कि हमने आपको बताया था अर्धचालक जो पदार्थ है सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत फेमस जो है अर्धचालक पदार्थ होते हैं। तो सिलिकॉन कैसा पदार्थ हो जाएगा, अर्धचालक सेमी कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले भाग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप रीड करिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, विद्युत धारा का एस आई मात्रक होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ा था कि विद्युत धारा का जो एस आई मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, लिखा है यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आप अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को रीड करिए, अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। किस में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उसके बाद जो है उनके श्रेणी में एक आर ओम का प्रतिरोध जो है जोड़ दिया गया है, क्या किया गया है, जोड़ दिया गया, ठीक है। तो हमको निकालना है कि कुल प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर सर्किट बना दे रहे हैं, ये मान लीजिए R ओम है, R ओम है, दोनों समांतर में हो गए, दोनों किस में हो गए, समांतर में, इन दोनों को श्रेणी में एक R ओम का और प्रतिरोध लग गया है, ठीक है। तो आपको जो है कुल प्रतिरोध का मान निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमने इतना बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो है प्रतिरोध पे लगाया था, ठीक है। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं, एक सेकंड में लगाएंगे, ठीक है। तो हम आशा करते हैं इसको लगा लेंगे। फिलहाल करेंगे क्या, इसको जो है समांतर में है, किसमें है, समांतर में है, और दोनों का प्रतिरोध समान है, तो इसका जो तुल प्रतिरोध होगा इस समांतर वाले का आर बटे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर बटे दो हो जाएगा, और श्रेणी में जुड़ गया प्लस आर हो गया, ठीक। तो इसको हल करिएगा तो कितना गुणा इधर होगा, थ्री आर बटे कितना आएगा, टू ओम आएगा, एकदम चुटकी में लगेगा, सवाल एक सेकंड में लगेगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं इसको समझ रहे होंगे, नोट करिए और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका है 23 है, लिखा है एक माइक्रो ओम का मान होता है, फिर वही क्वेश्चन, माइक्रो का मतलब माइनस 6 होता है, तो 10 माइनस 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए, अगला क्वेश्चन 24 नंबर लिखा हुआ है, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो आपको पता है कि किलोवाट हावर जो होता है, के डब्ल्यू एच जो होता है, ये ऊर्जा है, और कौन सी ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है। तो ये मात्रक जो होता है वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। हम आशा करते हैं आज के जो 24 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे, आप समझे होंगे, एकदम एक्सप्लेन के साथ समझेंगे। अभी आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, अच्छी तरह समझिए, और 24 क्वेश्चन तैयार हुआ। अगले भाग में कल जो है हम अगला पार्ट पढ़ेंगे और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है अच्छी तरह से अपना कंसेप्ट तैयार करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में।